it doesn't matter how much increment you allocate to the health budget. The more important thing is where you spend that budget. अगर आप देखें परसेंटेज जीडीपी के हिसाब से जो इनकम होती है हमारी, अगर आप परसेंटेज जीडीपी के हिसाब से हमारा हेल्थ देखें तो ये 1% तक टच करके आया है. 2019-20 में इट रीच्ड अप टू 1% ऑफ जीडीपी. नॉर्मल जो एवरेज है पाकिस्तान बनने से लेके अभी तक इट इज़ 0.7%. यानी कि अगर आपने 100 रुपये कमाए हैं तो 70 पैसे हेल्थ पे खर्च किए हैं. सो वो जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि बड़ी लिमिटेड हेल्थ की में हमारी स्पेंडिंग बहुत कम है, इट इज़ एविडेंट बाय दिस कंट्रीब्यूशन कि आपकी 100 रुपये इनकम है, 70 पैसे आप 1 रुपये भी खर्च नहीं कर रहे हेल्थ के ऊपर. So 0.7% of the national income goes to this by the government goes to health. Ideally kitna hai? 5% of your income. Bahut zyada prevalence ho gayi hui hai, bahut zyada new cases hain hypertension ke, heart disease ke, diabetes ke. Aur hum pehle ye samajhte the, jo ek khatarnak baat hai na, hum pehle ye samajhte the ki NCDs जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं या दिल की बीमारी है या शुगर है या कैंसर है, ये अमीरों की बीमारी है. ये डाटा हमें ये बता रहा है कि ये अमीरों की बीमारी नहीं है. इस वक्त पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं उनकी ज़्यादा तादाद मुतासर हो रही है डायबिटीज़ से, बिकॉज ऑफ पुअर ईटिंग हैबिट्स. हाइपरटेंशन भी गरीब में ज़्यादा है, हार्ट डिजीज़ भी गरीब में ज़्यादा है. सो वो जो एक कॉन्सेप्ट था 20 साल पहले 15 साल पहले तक कि ये रिचनेस की या एफ्लुएंस की डिजीज़ है, इट्स नो मोर अ डिजीज़ ऑफ एफ्लुएंस. इवन दिस और इन्फेक्शन डिजीज़ को हम कहा करते थे डिजीज़ ऑफ पॉवर्टी. नाउ द कम्युनिकेबल डिजीज़ इज ऑफ कोर्स द डिजीज़ ऑफ पॉवर्टी, बट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैज़ आल्सो बीन विटनेस्ड इन पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा. रिच के अंदर इतनी नहीं है परसेंटेज जितनी पुअर के अंदर है. सो अगर कोई भी गवर्नमेंट पुअर के लिए कुछ करना चाहेगी तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को अपनी प्रायोरिटीज़ में ज़रूर शामिल करेगी. और सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन या सोशल प्रोटेक्शन का जो निज़ाम आप बनाते हैं उसके अंदर आप रखेंगे सिस्टम के हम सिर्फ ट्रीटमेंट पर फोकस ना करें. एक और बदकिस्मती है ना कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं जब सपोर्ट करते हैं वो सपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल की पेमेंट को. अब अगर एक शख्स बीमार हो गया है और उसके इलाज के लिए पैसे गवर्नमेंट रख रही है तो क्या ये ज़्यादा वाइज नहीं होगा, अकलमंदाना फैसला नहीं होगा कि हम कुछ पैसे बीमारी के बचाव के लिए भी रख लें, ताकि 10 रुपये लगेंगे बचाव में और 100 रुपये लगेंगे ट्रीटमेंट में. तो हम इंतज़ार करते हैं कि 100 रुपये जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम 100 रुपये का इलाज करवा लें, 10 रुपये हमने खर्च नहीं करने जो प्रिवेंशन पे लगते. देर आर सो मैनी वेज ऑफ प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस दिन भी मैंने ये बात की कि हमारे अंडरग्रेड्स को, हमारे मेडिकल कॉलेज के लोगों को, स्टूडेंट्स को और हमारा जो ये है आपका जितने भी नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, इनको न्यूट्रिशन के कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता. जबकि न्यूट्रिशन इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वी सॉ इन कोविड दैट द पीपल हु आर गेटिंग गुड न्यूट्रिशन दे सर्वाइव्ड. दोज हु आर नॉट गेटिंग गुड, जिनका न्यूट्रिशन स्टेटस बेहतर था उनकी इम्यूनिटी बेहतर थी. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी ऐसे ही है, जिसका न्यूट्रिशन हेल्दी न्यूट्रिशन है, हेल्दी डाइट है, ही और शी विल नॉट गेट कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़. सो हमें एक तो ट्रेनिंग अपने लोगों की ठीक करनी है. वो हमने ट्रेनिंग अभी क्या की हुई है उनकी कि एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी के साथ इलाज कैसे करना है, दैट इज़ द ओनली थिंग वी ट्रेन टू द स्टूडेंट्स. पूरा का पूरा एजुकेशन रिफॉर्म की ज़रूरत है मेडिकल कॉलेजेस की और नर्सिंग कॉलेजेस की. कैंसर की भी ट्रीटमेंट बहुत महंगी है. सो गरीब मुल्क में जिसमें 23-24% लोग जो हैं वो दो वक्त तक खाना भी जैसे कहते हैं ना कि अफोर्ड ना करते हों, उस मुल्क में ये वाली जो बीमारी है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इट इज़ अ कैटेस्ट्रॉफी. ये क़यामत है या एक तरह से बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है. इसको हम कहते हैं कैटेस्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर करती है ये. तो अगर आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा 15-20% आपकी इनकम का 100 रुपये कमा रहे हैं, 15-16 रुपये अगर दवाई पे खर्च हो रहे हैं तो गुजारा कैसे करेंगे आप? तो गरीब आदमी तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, वो तो पहले ही उधार पे रह रहा होता है. सो जो कॉस्ट ऑफ इलनेस है वो जो शिफ्ट हो रही है इस मुल्क में फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज़ टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये किसी ने सोचा ही नहीं इसके बारे में. NCDs हो जाएं, इन्फेक्शन हो जाएं, डेंगू में आपने देखा, कोविड में आपने देखा, मलेरिया, टीबी,
इन सब में आप देखें, हेल्थ इज़ नॉट ओनली द डोमेन ऑफ आर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, ये याद रखें। हम शायद ये समझते हैं पाकिस्तान में कि सेहत की जिम्मेवारी सेहत के महकमे वालों की जिम्मेवारी है। आई एम नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ हेल्थ पॉलिसी, आई एम नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ हेल्थ पॉलिसी, बिकॉज हेल्थ पॉलिसी विल ओनली कंसिडर दी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जो आपके हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है ना, इसको करेगा ना। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तो जो है वो हॉस्पिटल से बाहर कंट्रोल होती है, हॉस्पिटल में तो कंट्रोल ही नहीं होती। सो मेरे ख्याल में हमारी जो न्यूट्रिशन की फूड की पॉलिसी है, हमारी ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी है, हमारी लॉज, हमारी लेजिस्लेशन, हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी की पॉलिसी है, हमारी इन्वायरमेंट की पॉलिसी है, हमारी पॉपुलेशन की पॉलिसी है, हमारी इंडस्ट्री की पॉलिसी है, ये सारी की सारी हेल्थ ओरिएंटेड होनी चाहिए। सो वी डोंट नीड अ हेल्थ पॉलिसी इन पाकिस्तान, वी नीड हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज इन पाकिस्तान। डेंगू में आपने देखा है ना, डेंगू पहले कंट्रोल करने की कोशिश की गई अस्पतालों के अंदर, लेकिन हमारी कितनी समझ आ गई है। अब ट्रांसपोर्ट का सेक्रेटरी फिर रहा होता है, टायरों की दुकानें देख रहा होता है, लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी फिर रहा होता है रोड पे डेंगू कंट्रोल में। सो देर इज़ अ रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो सेक्रेटरी है, लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी है, हाउसिंग का, अर्बन प्लानिंग का, इन्वायरमेंट का, एजुकेशन का, हेल्थ का तो है ही। ऑल अदर डिपार्टमेंट्स आर ऑन रोड वर्किंग फॉर डेंगू कंट्रोल। जो अभी अपकमिंग बजट है, आई फील के जिस तरह से मोमेंटम बना हुआ है और जिस तरह से कोविड के का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इफेक्ट आया है हमारे मुल्क पे हेल्थ कॉन्शियसनेस के हवाले से, आवाम के अंदर भी थोड़ी सी हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ी है और गवर्नमेंट तो डेफिनेटली इट हैड टू रिस्पॉन्ड टू सच एन एमरजेंसी। सो देर इज़ अ माइंड सेट दैट वी नीड टू डू मोर इन हेल्थ सेक्टर पोस्ट कोविड इरा में। सो पाकिस्तान में अभी तक जो ट्रेंड रहा है वो डाउन स्ट्रीम टोटल क्यूरेटिव साइड पे फोकस रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द बजट चंक गोज टू सैलरीज ऑफ द स्टाफ, देन देर इज़ अ नेक्स्ट हेड विच इज़ मेडिसन और ये यूटिलिटी बिल्स के जो पेमेंट्स हैं, ये मेन होते हैं। हम कोई इंटरवेंशन लोगों की सेहत को बेहतर करने की ऐसी नहीं कर सकते कि इतने बजट नहीं होता।